नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री बिजनेस हेल्प में। आज दोस्तों ऐसी मशीन आपके लिए लेकर आया हूं जिसे कम इन्वेस्टमेंट में आप खरीद के और बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। सिर्फ एक नहीं, कई सारी चीज़ें आप उससे बना सकते हैं और उनका बहुत ही अच्छी मार्केट के अंदर सेल होती है। जितना प्रोडक्ट, जितने पैसे की मशीन है, आपकी लागत एक महीने के अंदर कंप्लीट पूरी हो जाती है। और क्या मशीन है, कैसे वर्किंग करती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई नई बिजनेस अपडेट और सरकारी योजनाएँ हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं बल्लभगढ़ के अंदर और हमारे साथ सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। क्या नाम है सर आपका? गोपाल सिसोदिया। आपकी कंपनी का क्या नाम है सर? श्री जी पैकेजिंग। श्री जी पैकेजिंग। तो जो ये मशीन है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ ये मशीन है और कैसे वर्क करती है? ये एक छोटे बिजनेसमैन के लिए, छोटा स्टार्टअप करने के लिए बहुत सबसे सूटेबल मशीन है। ये 1.5 लाख रुपए में कोई भी आदमी 1.5 रुपये लगा के आपका 5-7 हज़ार रुपये डेली कमा सकता है। अगर उसका 5-10 हज़ार का उसने अपना मार्केट बना लिया तो। जी जी। और स्टील की बनी हुई मशीन है हमारी ये, और इसमें जो सारा मटेरियल लगा हुआ है वो क्वालिटी वाइज लगा हुआ है। ओके, जैसे स्टील बाहर से भी दिख रहा है दोस्तों, क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैमरा के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसको चलाना भी मैंने थोड़ा देखा था अभी जैसे मैं आया, तो चलाना बहुत ईजी है। और ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा प्रोडक्ट इसमें बनता है, बच्चे इसको बहुत खुशी से खाते हैं। इसके अंदर आप फ्रूट्स पैक कर सकते हैं, जूस पैक कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बनाने का तरीका होता है। इसके अलावा जैसे मैंगो पल्प होता है, जो मैंगो फ्रूटी टाइप में हम लेते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट भी आप इसमें बेच सकते हैं। सर क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हैं इसमें? सारे फ्लेवर्स जो है पैक कर सकते हैं आप। 100 ml, 200 ml, 50 ml, 25 ml, सारे तरह की क्वान्टिटी एंड सारे फ्लेवर्स जितने आते हैं ना, ऑरेंज है, मैंगो है, लीची है, और जो है पाइनएप्पल है, सारे फ्लेवर जो है आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट में आपने देखे होंगे बच्चे जिसको बहुत खुशी से लेते हैं, और इसके अंदर आप आर्टिफिशियल फ्लेवर भी आते हैं जो आप फ्लेवर ऐड करके कर सकते हैं। कौन कौन से फ्लेवर ऐड होते हैं सर? जैसे मैंगो है, ऑरेंज है, लीची है, पाइनएप्पल है, गावा है, और बहुत सारे जितने भी फ्लेवर्स आते हैं सारे फ्लेवर्स का ये मिलता है, ये बना सकते हैं। ये छोटी सी पैकिंग होती है दोस्तों, 5 और 10 रुपये में इसको जो है सेल किया जाता है। इससे बड़ी पैकिंग भी आती है? हाँ, 200 ml की पैकिंग आती है, वो भी इस मशीन से आप पैक कर सकते हैं। ओके, तो 200 ml की जो मशीन है उसको 20 रुपए तक आराम से जा सकती है ना? हाँ, 10-15 रुपए की अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो जाती है। जी जी। और कितने की ये तैयार हो जाती है? क्या चीज़? ये 100 ml का पाउच कुल इसकी लागत 2 रुपये में ये तैयार हो जाता है। सिर्फ 2 रुपये में तैयार हो जाएगा? ओके दोस्तों, सिर्फ 2 रुपये में आपका तैयार हो जाता है। और जो 100 ml का है वो 10 रुपये का जाता है या ये 5 रुपये की सेल है रिटेल में? वैसे होल सेल में ये 3 रुपये से लेके 4 रुपये तक ये चला जाता है। तो एक पाउच पे कम से कम 1-1.5 रुपये की प्रॉफिट हो जाती है। ओके, आदमी ने अगर छोटे से छोटा दुकानदार है वो भी कम से कम 4-5 पेटियां तो रखवाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रेगुलर उनकी इतनी सेल होती। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक दुकानदार 2-2 हज़ार पाउच ले लेता है पर डे की। ओके, 2-2 हज़ार पाउच ले लेता है एक। अच्छा। एक दुकानदार। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी सेल होती है इसके गर्मियों में। तो दोस्तों ये है, इसके अंदर जो है आप डेली का अपना टारगेट रख के चलिए कि मुझे इतनी दुकानों पे सप्लाई करनी है। आपको खुद नहीं बेचना है, आपको पैकेट तैयार करने हैं और दुकानों पे सप्लाई करने हैं। डब्बे के डब्बे पूरे जाते हैं और बॉक्स का ही प्राइस होता है। तो जैसे 100 पीस की पैकिंग होगी तो वो आपकी 350 रुपये की जो है दुकानदार को जाती है। और इसका मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे पैकेजिंग होती है वो भी थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ मैं बताता हूँ, सबसे पहले ये अपना ऐसे पाउच पकड़ना है जी, और इसका एक्सपीरियंस 1-2 घंटे में ही हो जाता है आदमी को। शुरुआत में थोड़ी बहुत आ सकती है परेशानी, और परेशानी क्या है वो थोड़ा सा करने में थोड़ा सा सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है ये इसको ऐसे पाउच करके। अब हम लोग तो आंख बंद करके भी चढ़ा सकते हैं इसको, और ये आपने ऐसे पाउच लगा दिए और कुछ नहीं करना है आपको, ये सिर्फ स्वच्छ दबा देना है आपको ऐसे करके। और दोस्तों देखिए कैसे जो है शानदार तरीके से पैक करके और निकाल दिया है। उसके बाद में फिर से पीस लगाएंगे, फिर से इसके अंदर जो है फिल हो जाएगा। और फिल करते ही जितना ml हमने फिल किया है उसको ऑटोमेटिक सील कर देगी मशीन, और सील करके निकाल देगी। तो जो है फिलिंग और सीलिंग दोनों जो है मशीन इसमें करती है।
और क्या क्या इसमें जो चीज़ें हैं सर, यूज़ कैसे करें, इसको ऑपरेट कैसे करें और क्या प्रॉब्लम्स इसमें, मतलब किसी नए यूज़र को आ सकते हैं? नहीं, हमने इसमें एक नए नए सिस्टम्स लगा रखे हैं, अभी डेवलप किए हैं हमने। जैसे ये ग्रीन बटन है, इससे आप दो काम कर सकते हैं। फर्स्ट में जैसे सिस्टम में एयर होती है तो एक तो एयर निकालने के काम आता है ये, दूसरा जैसे फ्लेवर चेंज करना है तो मशीन को क्लीन करना होता है तो इसी से मशीन क्लीन भी हो जाती है। ओके हाँ जी, ये पुश बटन, एक बार पुश करना है बस मशीन सारी क्लीन हो जाएगी। जो फ्लेवर है वो कहाँ पे भरेंगे सर, एक बार दिखाएंगे? हाँ, ये जो टैंक लगा रखा है अभी, ये है। अच्छा, ये पीछे अलग से टैंक दोस्तों इसका लगेगा और उसको इससे कनेक्ट करके इससे मशीन जो है ऑटोमेटिक इससे फ्लेवर उठा लेगी। एक इसका छोटा सा कंप्रेसर होता है। जी जी, और अभी छोटा सा कंप्रेसर होता है, वो मशीन जो है कनेक्ट करती है। ये पीछे इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है ये सारा जो आप देख सकते हैं, तो ये हमारा जो पैनल है ये हमारा बिल्कुल स्पेशल है, ये किसी के पास भी नहीं मिलेगा, किसी मशीन में नहीं मिलेगा। ओके। क्योंकि इसमें हम कई बार अपना जो है टाइमिंग और प्रोग्राम जो है रीसेट कर सकते हैं। ओके। और लोग जो है लॉक करके देते हैं, बट हमारा ये रीसेटेबल होता है। जैसे आपने ये सेट का बटन दबाया, इसमें लिखा आ गया सीलर ऑन टाइम लिखा आ गया, तो मतलब आपका अगर पाउच पतला आ गया या मोटा आ गया बड़ा आ गया तो इसमें ऑन टाइम घटा या बढ़ा सकते हैं। Okay. तो वो मतलब पाउच आपका सील होगा ही होगा 100%। Okay. लीकेज आपकी 0% हो जाएगी। Okay. जैसे ये पाउच के अंदर एयर डालना होता है तो इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं आप। Okay. इसी बटन से, इसी पैनल से। Okay. तो ये सुविधा बहुत सारी मशीनों में नहीं मिलती है आपकी। ये फिलिंग है, कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, पाउच को कितना ही टाइट कर सकते हैं। तो ये पूरा, ये जैसे प्रोग्राम सेट किया होता है पीएलसी में, तो ये हमारा ओपनेबल होता है, रीसेटेबल होता है। Okay. और फिर ये सेट का बटन दबा देते हैं तो आपका नया प्रोग्राम सेट हो जाएगा। तो इसके, इससे आपकी लीकेज बिल्कुल खत्म हो जाती है। Okay. कोई नया आदमी भी बड़ा आराम से, और इसकी पूरी ट्रेनिंग देते हैं, 10 मिनट में हम समझा देते हैं। सर, अगर हम बात करें इसकी मेंटेनेंस की और इंस्टॉलेशन की, मान लीजिए देखिए अभी आपका जो प्लांट है ये तो बल्लभगढ़ में हो गया, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं, केरल से हो गए, आसाम से हो गए, या ऑल ओवर इंडिया से दूर दूर से कस्टमर होंगे जो माल लेते हैं, उनको आप कैसे सर्विस देते हैं और कैसे इंस्टॉलेशन इसकी की जाती है, उसका भी थोड़ा बता दीजिए। इसका हमने ये कर रखा है कि हमने इसका सारा वीडियो बना रखा है, मशीन भेज देते हैं और मशीन को इतना इजी कर रखा है कि कोई भी कस्टमर आराम से उसको ऑपरेट कर लेता है। ओके। कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने इंजीनियर्स वगैरह के, टेक्निकल पर्सन के ना सारे नंबर दे के रखते हैं कस्टमर को, वो वीडियो कॉलिंग से या कॉलिंग से मशीन को चला वहीं इंस्टॉल करा देते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल कस्टमर को ऐसा लगता है कि कस्टमर कर नहीं पा रहा है तो हम अपना इंजीनियर भेज देते हैं। Okay. बाकी अभी तक हमें कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ी है। Okay. यहीं बैठे बैठे हमने सारी मशीनें चलवाते हैं हम लोग। Okay. तो इजी टू इंस्टॉल है, कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको चला सकता है, लेडीज भी ऑपरेट कर सकती हैं? हाँ, लेडीज, बहुत सारी लेडीज हैं, घरों में लगा के नहीं है, बहुत सारी लेडीज चला रही हैं इसको। हाँ जी, अपने यहाँ मेवात में है, मशीनें गई हैं, वो हर जगह, मतलब ज्यादातर जो है घरों के अंदर चला, घरों के अंदर लेडीज बच्चे कोई भी चला सकता है। इसकी बात करें सर अगर हम पावर की, कितनी ये पावर खाती है और मोटर वगैरह इसमें कितने? इसमें पावर तो बहुत ही नथिंग के बराबर है। इसमें 200-200 वाट के दो आपके हीटर लगे हुए हैं। Okay. और 1 HP का इसमें कंप्रेसर का वो होता है, लोड होता है। Okay. तो करीबन 1 kW पे ये चलती है मशीन। Okay. घंटे में 1 यूनिट का इसका मोस्टली बहुत ज्यादा खर्चा है ना, एक घंटे में 1 यूनिट का खर्चा, 1.25 यूनिट निकालेगा। हाँ जी, 1.25। तो दोस्तों 1.25 यूनिट आपकी 1 घंटे की होती है, और 1.25 घंटे में कितने पाउच निकाल सकते हैं? 1 घंटे में इसका 700-800 पाउच जो है आदमी निकाल सकता है, वो अपने हाथ सेट करने के ऊपर, पाउच लगाने के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। Okay. और दोस्तों अभी जैसे कि गर्मियां स्टार्ट होने वाली है, तो इस टाइम बेस्ट टाइम है, ये जो पूरा सीजन चलता है या अगस्त सितंबर तक चलते हैं ये चीज़ें, बच्चे बहुत खुश होकर इसको लेते हैं। और क्या सर इसके अंदर जो वो बनते हैं उनका कोई इफेक्ट भी होता है बच्चों, मतलब कोई साइड इफेक्ट वगैरह बच्चों नहीं, के लिए? सारे जो फ्लेवर्स होते हैं मोस्टली ये सब FSSAI से रजिस्टर्ड होते हैं। ओके। और सारी कंपनियों के फ्लेवर होते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती हैं। ओके। और इसमें पानी डलता, RO का पानी डलता है, चीनी डलती है, तो ऐसा कोई इसमें आइटम है नहीं जो बच्चों को इफेक्ट करे। ओके। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर इसमें मशीन की कॉस्टिंग आपने बता दी, उसके अलावा क्या क्या खर्चे लगेंगे, टोटल कॉस्टिंग बता दीजिए किस किस चीज़ की अलग अलग? इसमें 1.5 लाख, टोटल 1.5 लाख में आदमी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और 5-7 हज़ार रुपये डेली कमा सकता है। Okay. थोड़ा सा
मेहनत करके। ओके हाँ जी। दोस्तों देखिए, बहुत कम जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, और ये सिर्फ पाउच जो है आपसे मिलेंगे या कैसे क्या मिलेंगे ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये कस्टमर को हम भी प्रोवाइड करा देते हैं, पाउच हैं, फ्लेवर हैं। अगर उसको नहीं मिल रहा हमसे भी ले सकता है, उसको दूसरी जगह से मिल रहा है तो वहाँ से भी ले सकता है। ओके हाँ जी। मतलब सारा सेटअप आपकी तरफ से मिल जाएगा? मिल जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों मुझे तो बहुत अच्छा सिस्टम लगा। जो लोग कहते हैं कि मुझे कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या बिजनेस करूं, आप घर बैठ के पैक कीजिए और आपके शहर में सभी दुकानों पे आप दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा चल रहा है और छोटे शहरों में तो अभी पहुंचा भी नहीं है। तो उन शहरों में आप जो नई बढ़िया तरीके की पैकिंग है और बोतल टाइप में ये लगता है, दुकानदार के लिए आसान है रखना, तो बहुत सारे इसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल रही है। आपको बिजनेस आइडिया कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। और सर का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो है मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर से कॉन्टैक्ट करना है सीधे आप कॉल कीजिए किसी भी तरह की इंक्वायरी है, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। कॉल करके पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉल पे मुझे रिप्लाई नहीं करना है, सीधा सर को रिप्लाई करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, फीडबैक दीजिए। किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी है डायरेक्ट सर से आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है और जो कॉन्टैक्ट नंबर है दोनों आपको दे रहा हूँ। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस आइडिया, नेक्स्ट सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।